एसडीएम ने किया सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रभारी से कहा कि डॉक्टर के आने का समय सुबह 8 बजे है। सनावत नगर के सिविल अस्पताल के संबंध में स्थानीय पत्रकारों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से शिकायत की गई थी, जिसके बाद एसडीएम सत्येंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने नायब तहसीलदार सुखदेव डावर को सिविल अस्पताल को गोद देकर यहाँ पर नजर रखने की बात भी कही। एसडीएम करीब 45 मिनट तक अस्पताल के प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण कर जरूरी जानकारी अस्पताल प्रभारी बीएम चौहान से ली। बताएं कि यहाँ डॉक्टरों का आने का समय तय नहीं है, जबकि नियम के अनुसार 8 बजे ओपीडी खुल जानी चाहिए। एसडीएम ने प्रसूति गृह, ओटी, एक्सरे रूम, मेडिसिन स्टॉक रूम सहित अन्य कक्षों की जांच की। वहीं कुपोषित बच्चों के एनआरसी में बच्चे नहीं होने पर आश्चर्य प्रकट किया। प्रभारी चौहान को निर्देश दिए कि एक्सपायरी दवा को मेडिसिन से हटाया जाए, साथ ही डॉक्टरों के आने का समय तय किया जाए। वहीं बुनियादी छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए शीघ्र प्रयास किए जाएं एवं इसे दुरुस्त किया जाए। साथ ही कहा कि मेरे अगले दौरे से पूर्व व्यवस्था सुधर जानी चाहिए। अस्पताल प्रभारी को सख्त चेतावनी एवं नायब तहसीलदार को जवाबदारी देकर वो यहां से रवाना हुए। इस दौरान आए मरीजों के परिजन उन्हें डॉक्टर के समय पर नहीं बैठने की शिकायत भी की। सर, महिलाओं का अलग से खाना आता है, महिलाओं को सुबह और ये होता है। और इसमें जैसे किस तरह के पेशेंट को ऐसा ये है कि जहाँ कमी है उसमें सुधार करता है। अच्छा है, कितने में को ट्रेड मिला है साल भर का? एक ही व्यक्ति के पास उसके मतलब उसमें कुछ एक्सपायरी दवाएं भी हो सकती हैं, तो उसके स्क्रूटनी के लिए हमने नायब साहब को बोला है कि स्टॉक से उसका वेरिफिकेशन भी करा लें, और जो एक्सपायरी डेट की जो दवाएं अगर रखी हैं तो वो भी हमारे नोटिस में लाएं। 3 दिन के लिए टाइम हमने दिया। सर, डॉक्टर साहब यहाँ पर जितने भी बलराम के हिसाब से तो नहीं, लेकिन शिकायत जरूर मेरे को मिल रही थी, लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो ओपीडी है जनरली डॉक्टर जो है 10 के बाद आते हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि 8 बजे तक ओपीडी खुल जानी चाहिए। हालांकि मैं जब आया तो ओपीडी में डॉक्टर मिले और बकायदा उसमें पर्चियां वगैरह ली जा रही थी, और इनको हिदायत दी गई है कि आगे से अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी डॉक्टर हैं समय पर आएँ, 8 बजे से ओपीडी स्टार्ट हो जाना चाहिए।